हेलो दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं SBI इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। और आप लोग जानते हैं कि SBI इंटरनेट बैंकिंग से क्विक ट्रांसफ़र का ऑप्शन जो है वो उठा लिया गया है, और उसमें आप कहीं भी ढूंढिए आपको क्विक ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप क्विक ट्रांसफ़र SBI से कैसे कर सकते हैं। तो पहले एनीवेयर ऐप जो है उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर में जाके। इंस्टॉल करने के बाद उस पर आपको आपका इंटरनेट बैंकिंग का जो यूजर आईडी पासवर्ड उसको डालना है। डालने के बाद यहाँ पर देखिए ऐसा एक होम पेज आएगा, और इस पे देखिए माई अकाउंट्स, फंड ट्रांसफ़र, ई डिपॉजिट, टॉप अप रिचार्ज, बिल पेमेंट, UPI, रिक्वेस्ट सर्विस और क्विक ट्रांसफ़र, इतना सारा ऑप्शन है। तो मान लीजिए आप क्विक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि फ़िलहाल आपका SBI जो है इंटरनेट बैंकिंग से क्विक ट्रांसफ़र का ऑप्शन जो है वो उठा लिया गया है। तो इससे पहले मैं क्विक ट्रांसफ़र के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो इस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि क्विक ट्रांसफ़र कैसे करूँ, क्विक ट्रांसफ़र कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सही बोल रहे थे, तो इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ा। तो दोस्तों फ़िलहाल आप SBI एनीवेयर से क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है क्विक ट्रांसफ़र ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेंड मनी, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका जो अकाउंट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद पे यूजिंग अकाउंट डिटेल्स नीचे वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बेनिफिशरी नेम, यहाँ पर नाम डाल देना है और यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना है। मान लीजिए मैं दिखाने के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ, और फिर से यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है, डालने के बाद IFSC कोड जो है उसको आपको डालना है। IFSC कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र, कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको डालना है, और उसके बाद जो है आपको नीचे एक सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका मोबाइल पे एक OTP आएगा, और उस OTP को मारने के बाद आपका अमाउंट जो है उस अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस क्विक ट्रांसफ़र में जो है डेली आप 25,000 ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और मैक्सिमम एक बार में आप 10,000 ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप 10,000, 10,000 और 5,000 ऐसा करके 3 बार करके आप क्विक ट्रांसफ़र से 25,000 तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में दोस्तों यही बताना था, और नेक्स्ट मैं दूसरा भी एक ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका जो अकाउंट ऐड किया हुआ है उस पर भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जाना है फाउंड ट्रांसफ़र पे, फाउंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आदर्श बैंक अकाउंट यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट डेबिट अकाउंट, हमारा जो अकाउंट है सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है जिसका अकाउंट पे ट्रांसफ़र करना है, हमारा देखिए यहाँ पर 3 अकाउंट जो है ऐड किया हुआ है बेनिफिशियरी से, तो यहाँ से भी ऐड किया हुआ अकाउंट को भी ट्रांसफ़र कर, मान लीजिए SK मैदुल, इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद उसका जो डिटेल्स है वो भर गया है, और आप कितना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, IMPS करना चाहते हैं या NEFT करना चाहते हैं या RTGS। RTGS मतलब जानते हैं 2 लाख से ऊपर आप ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो आपको RTGS करना पड़ेगा, और 2 लाख से नीचे अगर ट्रांसफ़र करना है NEFT, और अगर कम अमाउंट 10,500 ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको IMPS से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय।